हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर एसएस वीडियो क्लास। सो स्टूडेंट, एज वी ऑल नो दैट आवर चैप्टर नंबर 10 इज रनिंग, ओके। आवर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो डन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। सो इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10, गेट इट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise of chapter number 10, okay? So student, let's start. First of all, everyone take out your SS textbook, okay? Then you have to take out page number 53, page number 53, okay? Now we are going to start. First of all, we will start from activity, okay? So student, activity: make a calendar of important festival in a year. First of all, it's your homework. Ab what we will do, ab isme karna kya hai ki first of all aap sabko ये जो मंथ के नेम दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। ये जो दिए हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फेस्टिवल आपको, ये मंथ के नेम आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। अब सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर जो कैलेंडर है, जो आप वॉल पे लगाते हो, वो कैलेंडर है, वो आपको कहाँ करना है, वो कैलेंडर से आपको हर एक मंथ देखना है। कैलेंडर शुड बी 2021, अभी जो रनिंग करंट ईयर है उसका कैलेंडर ही आपको लिखना है, देखना है। और फिर आपको क्या करना है उसमें, वो मंथ के अंदर कौन सा फेस्टिवल आता है। फॉर एग्जांपल, जनवरी में कौन सा फेस्टिवल आता है वो लिखना है, देन फरवरी में कौन सा आता है वो लिखना है, देन मार्च में कौन सा आता है वो लिखना है, अप्रैल में कौन सा आता है वो लिखना है, मार्च में कौन सा आता है वो लिखना है, देन जून में कौन सा आता है वो लिखना है, सितंबर में कौन सा आता है वो लिखना है, दिसंबर में कौन सा आता है वो लिखना है, ठीक है? सो मंथ वाइज हर एक फेस्टिवल का नेम है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है? सो यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम योर सेल्फ, गेट इट? सो एक इसके लिए आपको कैलेंडर की हेल्प चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलेंडर लेना है, एंड देन आपको यहाँ पे ओनली वन फेस्टिवल यू हैव टू मेंशन हियर, गेट इट? आपको कोई भी एक ही फेस्टिवल है उसका नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है? सो नाउ टर्न योर पेज। Check yourself. The festival that I enjoy the most. Okay? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? अब इसमें क्या है, यू हैव टू डू फ्रॉम योर सेल्फ, आपको अपने आप से करना है ये सारा। मैं अपने आप से कर रही हूँ, ओके? सो स्टूडेंट, ये आपको अपने आप से करना है। मैं अब इसमें मेरा फेवरेट फेस्टिवल लिखती हूँ। द फेस्टिवल दैट आई एन्जॉय द मोस्ट, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो मैं बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ? सो इसमें मैं मेरा लिखूँगी, आप अपना लिखोगे। मैं इसमें लिखूँगी होली, गेट इट? देन
स्पेशल ड्रेस आई वेयर ऑन डे ऑन दिस डे स्पेशल डे कि जो ये डे इस डे पे मैं कौन सा स्पेशल ड्रेस पहनती हूँ ये हमको यहाँ पे लिखना है. सो कौन सा स्पेशल ड्रेस पहनते मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वाइट ड्रेस वाइट कुर्ता वाइट ड्रेस गेट इट. देन इसके बाद द स्पेशल फूड आई ईट ऑन दिस डे स्पेशल फूड इस ये दिन पे मैं कौन सा स्पेशल फूड खाऊंगी क्या खाऊंगी ये यहाँ पे मुझे लिखना है. सो मैं स्वीट्स अ लॉट्स ऑफ स्वीट्स खाती हूँ. सो मैं लिखूंगी स्वीट. आप अपने आप से लिखोगे जो भी आप ये फेस्टिवल के अंदर करते हो वो आप अपने आप से लिखोगे. गेट इट. द स्पेशल थिंग वी ऑल डू दिस डे कौन सी ऐसी स्पेशल थिंग से जो हम होली के दिन करते हैं. प्लेइंग विथ कलर. Get it? So we have to write down here. Play with colors. Done? So next one is quiz zone. Help Rina to complete the puzzle. अब यहाँ पे आपको puzzles दिए हैं उसमें आपको जो suitable festival है उसके according आपको दिया है वो आपको fill करना है. Get it? So now सेकेंड वन है अक्रॉस अ डाउन. ठीक है अक्रॉस और डाउन टू टाइप की यहाँ पे आपको ग्रिड में मेंशन किया है जो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे. सबसे पहले अक्रॉस में हम जाते हैं. इट मार्क्स द हिस विक्ट्री ऑफ गुड और इविल. ओके ऐसा कौन सा फेस्टिवल है दशहरा है ना. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दशहरा लिखेंगे बिकॉज दशहरा इज अ मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड और इविल. ओके सो हम लिखेंगे दशहरा. तो दशहरा का स्पेलिंग क्या होता है डी यू डबल एस ई एच आर ए. ओके सम ऑफ द वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन वी हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग. ओके सो हियर वी हैव टू राइट डाउन हियर डी यू डबल एस ई H write with me R get it Dashera done. Then next one a festival celebrated after a month of fasting fourth one एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे मंथ का फास्ट करके आता है. एक मंथ का फास्ट करके जो फेस्टिवल आता है वो कौन सा फेस्टिवल है ईद रमजान ईद है ना. रमजान का पूरा मंथ है वो मुस्लिम से फास्ट करते हैं. ठीक है सो ये पूरा मंथ फास्ट करके ही ये फेस्टिवल आता है. सो कौन सा है ईद. ओके सो वी हैव टू राइट डाउन हियर ईद. E I
डी इन डन. देन नेक्स्ट वन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो कौन सा है? केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, देखो यहाँ पे हमने जब एक्सप्लेन किया था 6 नंबर में आपको देखना है, जब एक्सप्लेन हुआ था हमारा चैप्टर तभी यहाँ पे था, देखो यहाँ पे आगे देख सकते हो. ओनम इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ यू नो केरला. ओके सो केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो कौन सा है? ओणम है. ओके सो वी हैव टू राइट डाउन योर स्पेलिंग ऑफ ओणम. ओ एन ए एम ओणम, स्पेलिंग ऑफ ओणम. ओके देन नेक्स्ट वन डाउन क्रॉस में आपको जाना है. ओके सो नेक्स्ट वन में है डाउन डाउन. डाउन का स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? ए सांता क्लॉज गिव्स गिफ्ट. सांता क्लॉज है वो आपको गिफ्ट देता है ड्यूरिंग दिस डे. तो वो कौन सा है फेस्टिवल? क्रिसमस. ओके क्रिसमस है. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर क्रिसमस. सी एच आर आई इट्स ऑलरेडी मेंशन एस टी एम ए दिस डन. देन थर्ड वन अ फेस्टिवल ऑफ कलर. थर्ड वन यहाँ पे है फेस्टिवल ऑफ कलर है वो कौन सा है? होली. ओके सो एच ओ एल आर होली. फेस्टिवल ऑफ कलर इज कॉल्ड होली. गेट दैट. देन फिफ्थ वन अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है वो कौन सा है? दिवाली. कौन सा है? दिवाली. ओके सो दिवाली का स्पेलिंग है डी आई डब्ल्यू ए एल आई देन दिवाली. ओके सो ये हो गया हमारा क्विज जोन. नाउ नेक्स्ट वन इज राइटिंग जोन. ओके सो नेक्स्ट पेज राइटिंग जोन पेज नंबर 55. ओके सो स्टूडेंट नाउ लेट्स सी आइडेंटिफाई एंड नेम द फेस्टिवल. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स से वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया है. अब आपको क्या करना है? जो पिक्चर से यहाँ पे दिए है उसमें से वो फाइंड आउट, उसके जो रिलेटेड नेम है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है. ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सांता क्लॉज है एंड देन क्रिसमस ट्री है तो वो कौन सा फेस्टिवल होगा? ऑब्वियसली क्रिसमस. ओके सो वी हैव टू राइट डाउन हियर क्रिसमस. क्रिसमस डन. नाउ यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर है. सिस्टर है वो अपने ब्रदर को राखी बांध रही है तो ये कौन सा फेस्टिवल है? रक्षाबंधन. गेट इट. सो रक्षाबंधन में क्या करते हैं? बहन है वो अपने भाई को राखी बांधती है. ठीक है सो हम लिखेंगे रक्षाबंधन. रक्षाबंधन
एक लोग एक दूसरे को गले लगा कर ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, ये कौन सा फेस्टिवल है? ई है ना, क्योंकि मोस्क का भी इसमें पिक्चर ऑलरेडी मेंशन है, गेट इट? सो हम क्या लिखेंगे? ई, ओके, आई ई डी, यानी कि ई। Then next one is ये वुमेन है और वो दिया जला रहे हैं, ठीक है। सो ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली। दिवाली में हम फायरवर्क्स करते हैं, हमारे हाउस को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर दिवाली। Done. Now next one. Give the one word answer of each of the following. अब आपको one word answer है वो करना है, ठीक है। The harvest festival of Punjab. पंजाब का famous festival कौन सा है? बैसाखी है। बैसाखी is the harvest festival of Punjab. Okay. So first of all हम देखेंगे कि कहाँ पे है, ये टेक्स्ट बुक में फैक्ट में है। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, ये तो हमने देखा। बिहू असम का फेमस फेस्टिवल है। होली है ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, यूपी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वो कौन सा है? होली है। असम का कौन सा फेस्टिवल बहुत बड़ा है? बिहू। एंड बैसाखी किसका है? पंजाब का। आर ऑल्सो द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, बैसाखी इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर बैसाखी। एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग, अभी हमने देखा कौन सा आएगा? ईद। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल पे बोट रेसेस होती है? ओणम। लंगर आर हेल्ड ऑन गुरुपुरा, यहाँ पे आप देख लीजिए। लंगर आर हेल्ड एट गुरुद्वारा, ओके, गुरुद्वारा में लंगर है वो होता है। एंड कौन सा फेस्टिवल पे होता है? गुरुपुरब का फेस्टिवल में, ओके। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर गुरुद्वारा। गुरु लंगर है वो एक सिख का बहुत ही एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे वो पूरे लोग है वो साथ मिलके खाना खाते हैं। कहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं? वो गुरुद्वारा में खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये गुरुद्वारा है वो क्या है? सिख का वो सिख प्लेस है, ठीक है। सो हम लिखेंगे गुरुपुरब। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप ऑन दिवाली। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी एक्सरसाइज डन। यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, रिमेनिंग वर्क है वो टेक्स्ट बुक में ही आपको करना है, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।